बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इतना अच्छा रैंक लिया एंड यू हैव मेड एवरीवन प्राउड. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. सो हाउ डू यू फील नाउ आफ्टर गेटिंग सच ए गुड रैंक? व्हाट इज द एटमॉस्फेयर एट होम? सर ऑनेस्टली द फीलिंग हैज नॉट संक इन टिल नाउ and it still feels like a dream, but everybody at my home is happy. My close relatives also stay here only, so yesterday we all got together, so it was a very good moment for me. So overall it's a very nice feeling, sir. That's great. It's really wonderful to get rank 30 and make everyone proud. So Divyanshu, let us start from your beginning of the journey for civil services. When did you think about preparing for civil services exam? Sir, honestly, the feeling was always in the back of my mind, but after I had done my MBA from IIM Calcutta and I was working in HSBC, I worked for a year before quitting the job for civil services preparation. I realized that the job satisfaction part was quite missing, and also I wanted to create an impact on the society. Wo mere liye shayad sabse zyada zaruri tha. So that's why I decided that I should quit my job and start preparing for civil services. So in 2018, June, I started my preparation for civil services. So when you are in the preparation for civil services, aapki life mein kahin ups and downs aate hain. Shuru ke 2-3 mahine bade intense hote hain, aap din raat mehnat karte hain, uske baad thoda sa lagta hai yaar kya kahin main sahi raaste pe hu ya maine galat decision le liya. Did you feel ever that phase of kind of low in your preparation for civil services? कि हाँ यार कुछ मजा नहीं आया, जो स्पीड थी इंटेंसिटी थी वो कुछ कम हो गई है. सर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, शुरू के 3-4 महीने बहुत एक्साइटमेंट भरे होते हैं, बिकॉज आप कोचिंग लेते हैं एंड आप नई नई चीजें पढ़ते हैं, आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो यू गेट अ ओवरव्यू ऑफ द करंट अफेयर्स दैट आर गोइंग ऑन. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट. बट आफ्टर सम टाइम जब आप टेस्ट वगैरह देते हैं तब भी बढ़िया चलता है एंड यू आर एबल टू एनालाइज कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ अच्छा कर रहे हैं, तो वो सब आप इम्प्रूव करते हैं. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सा इशू ये होता है कि ये रेपिटेटिव होने लग जाता है, बिकॉज जो स्टैटिक पार्ट है वो तो आपको बार बार पढ़ना ही है. तो आई थिंक वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लाता है कभी कभी. एंड उसके अलावा सर वही है कि जो भी हम टेस्ट्स अटेम्प्ट करते हैं, बीट प्रीलिम्स और मेंस, अगर कभी अच्छे मार्क्स आते हैं तो वी गेट हैप्पी, नहीं आते हैं तो वी गेट सैड. तो वो थोड़े अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली हर एस्पिरेंट की जर्नी में रहते हैं. बट आई थिंक अगर हम लोग फोकस्ड रहे एंड इफ वी आर वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स अवर कॉज, दीस कैन बी हैंडल्ड प्रीटी वेल. सो हाउ डिड यू मेंटेन योर टेम्पो? व्हाट वाज द काइंड ऑफ कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन? डिड यू हैव सम पिक इन योर रूम? डिड यू हैड सम स्टोरी रिटन ऑन योर वॉल? Were you maintaining some kind of personal diary which you can refer? You know, like suppose in military we say SOPs. You have doubt, refer to SOP. Yes, sir. Your doubt should get cleared automatically. No need to worry. Problems, refer the document. So did you maintain any such kind of document, any kind of chart, any kind of quote, any photo of somebody? सर एक्चुअली मैंने दो तरह की चीजें जरूर मेंटेन करी थी इसमें. फर्स्ट वन फॉर मोटिवेशन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग मोटिवेशनल कोट्स एंड लिसनिंग टू मोटिवेशनल सॉन्ग्स, विच आई थिंक एवरी एस्पिरेंट शुड गो फॉर, बिकॉज समटाइम्स यू डू फील वेरी लो एंड यू फील दैट यू आर जस्ट ऑन द क्रॉस रोड, सो यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, सो मे बी दोज कैन मोटिवेट यू. और सर दूसरी चीज ये थी कि मैंने ये जो करंट अफेयर्स हैं उसके मैं नोट्स हर दिन बनाता था, बीट न्यूज़पेपर्स और बीट फ्रॉम सम वेबसाइट्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स जो कवर करते हैं, क्योंकि वो एक मेरे को ऐसा पार्ट लगता था जिसमें मैं रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करूंगा तो वो मेरे को अच्छे रिटर्न्स देगा. बिकॉज अगर मैं वहां पे अपना पूरा स्ट्रेच आउट कर लूंगा तो उसके बाहर से कुछ आएगा नहीं, नॉर्मली मैं कर लूंगा क्वेश्चन हैंडल. तो आई थिंक सर ये दो चीजें थी जिसमें मैंने काफी फोकस रखा एंड बिकॉज ऑफ विच आई गॉट टू दिस पोजीशन. दैट्स गुड. जब हम प्री एग्जाम की बात करते हैं दिव्यांशु, सो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर प्री? What was the role of NCERT? What was the role of other books? Did you read many books or did you read few books many times? सर एक्चुअली ये आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट. एंड द थिंग इज मैंने शुरू से ही डिसाइड कर रखा था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में इतने सारे रिसोर्सेज होते हैं कि हर एस्पिरेंट बह जाता है, बिकॉज देर आर इज सो मच डर्थ ऑफ लाइक सो मच मटीरियल. तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं चुनिंदा बुक्स ही पढ़ूंगा एंड आई विल रीड देम एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स एज पॉसिबल सो दैट दे आर रिटेन्ड इन माई माइंड. एंड ये बुक्स पढ़ना स्टैटिक का पर्टिकुलरली बार बार एंड करंट जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना वॉज माई सोल स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स.
तो कितने क्वेश्चंस आपने प्री के प्रैक्टिस किए होंगे, या हम उसको 100 से डिवाइड करके कितने टेस्ट पेपर आपने प्रैक्टिस किए होंगे? सर, मेरे हर अटेम्प्ट में, मैंने दो अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के, आई थिंक इन एवरी अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड अराउंड 50 टू 60 पेपर्स इन बोथ माय अटेम्प्ट्स. दैट्स गुड. एंड डिड यू क्रैक पीटी इन बोथ द टाइम्स और नॉट? यस सर, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वेंट टिल द इंटरव्यू स्टेज, बट आई वाज नॉट एबल टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट, एंड दिस टाइम आई हैव गॉट. ओके, व्हेन यू क्रॉस द काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पीटी, यू रीच द मेंस, एंड हियर द अप्रोच सीम्स टू वेरी डिफरेंट. So, जो बच्चे प्री दे के आने वाले हैं इस बार, सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा बताएं कि अपने 10 दिन जो बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, इसमें वो हाउ कैन दे इन्वेस्ट देयर टाइम इन दीज 15 डेज और 13 डेज, व्हाट एवर लेफ्ट आउट, टू गेट फ्यू मोर राइट क्वेश्चन, फ्यू मोर करेक्ट क्वेश्चन, टू गेट दैट साइड ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम. सर, मेरे अकॉर्डिंग दो तीन स्ट्रैटेजीज थी मेरी प्रीलिम्स में, जो दोनों टाइम पर्टिकुलरली सेकंड टाइम मुझे अच्छा स्कोर मिला था. आई वाज स्कोरिंग अराउंड 125 बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स की, दो द मार्क्स आर स्टिल गेट टू बी रिलीज्ड. एक स्ट्रैटेजी सर ये थी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में एलिमिनेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है. तो अगर आप ढंग से, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, तो अगर आप ढंग से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू गो डाउन to say 2 out of 4 options, you have a 50% chance of getting it correct. तो मेरा strategy हमेशा ये होता कि current affairs के question में अगर मुझे कोई भी question नहीं आता है, तो मैं elimination लगाऊंगा. ये मेरा पहला strategy था. Second strategy सर मेरा ये था कि अब क्योंकि 10-12 दिन ही बचे हैं prelims के लिए, 2 weeks to go, so अभी कोई नया resource नहीं पढ़ना चाहिए. अब बस आपने जो test papers revise कर लिए हैं, जितने test आपने attempt कर लिए हैं, उन्हीं को आप revise करें, और जो आपका स्टैटिक पोर्शन है पर्टिकुलरली उसे अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि स्टैटिक एक ऐसा पार्ट है जिस पे आपका कंट्रोल होगा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दैट्स फॉर श्योर. करंट अफेयर्स में हो सकता है कि आपको न आए, आपके तुक्के गलत हो जाएं, ये सब वो. तो सर स्टैटिक को स्ट्रांग रखना, जो मैंने पढ़ा है वही रिवाइज करना, और एलिमिनेशन की टेक्निक्स, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स के. नाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन द स्ट्रेटजी फॉर मेन एग्जाम आफ्टर क्रॉसिंग द काइंड ऑफ हर्डल ऑफ प्री? सर, फर्स्ट थिंग, मेंस में भी अगर हम देखें तो स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट रहता ही है, बट जो करंट के क्वेश्चंस होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो वो डेप्थ में पूछे जाते हैं रादर देन ब्रेथ, इफ वी कुड से. सो एंड मोस्ट मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर रिपीटेड एवरी ईयर, और मे बी रिपीटेड ट्वाइस और इन 2 years और 3 years. तो जो पहली स्ट्रैटेजी वो ये है कि जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं रेफर कर रहे हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, बिकॉज आपके जो भी स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको अच्छे से लिखने ही होंगे आंसर्स, बिकॉज दोज आर श्योर शॉर्ट मार्क्स फॉर यू. एंड व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स सर, दो ही चीजें हैं. आप कोई भी मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन ले लीजिए, उसमें जितने भी मंथली चीजें हैं वो आप याद कर लीजिए, और दूसरा लास्ट प्रीवियस ईयर्स के एटलीस्ट 5 years के पेपर्स आप जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हाई हैं. तो अगर आप वो करके जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव मच मोर कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू द मेंस एग्जाम. सो यही दो स्ट्रेटजीज थी मेरे सर. दैट्स नाइस. अब हम लास्ट चीज पे आते हैं, इंटरव्यू वाला. सो व्हिच इंटरव्यू बोर्ड डिड यू गेट एंड व्हाट वर योर एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू कैबिन देयर? सर, अगर मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो इट वॉज सत्यवती मैम, एंड माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट एट ऑल गुड. एक्चुअली मेरा जो स्कोर था वो इंटरव्यू में बहुत कम था. आई ओनली स्कोर 146 मार्क्स एंड आई कमिटेड मेजर ब्लंडर्स, सो आई थिंक आई डिड डिजर्व दैट. बट दिस टाइम आई हैड गिवन मच लार्जर नंबर ऑफ मॉक्स, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू फर्स्ट वीक में ही आ गया था, तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला था. बट इस बार कोविड की वजह से शिफ्ट हुआ तो मैंने काफी ज्यादा मॉक्स दिए. बालियांस में भी आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, सो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ. एंड दिस टाइम आई हैड स्मिता नागराज मैम्स बोर्ड, एंड आई वॉज एबल टू कॉन्फिडेंटली आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. 2-3 क्वेश्चंस में हाइंडसाइट में लगा मेरे को कि शायद बेटर आंसर कर सकता था, बट ओवरऑल इट वेंट वेल, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर. सो वॉज देयर एनी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आस्क्ड, लेट्स से फार्मर एजुकेशन और लेट्स से रिजर्वेशन और GNK 370 आर्टिकल? डिड यू हैव काइंड ऑफ गेट एनी सच काइंड ऑफ controversial question where you had to pick up sides or you were in dilemma to pick up side? So personally for me, I did not get any controversial question per se, and all the questions, most of the questions that the panel members were asking were opinion based. So even if I said one opinion, if I was able to defend it, I think it worked well for me. So it was all about defending the opinions which I was saying in the interview. Your conviction basically, how convinced yes, you sir. Are about that particular standpoint. I wish you a very, very happy and successful career ahead. God bless you.
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू दिवंशु।